वेलकम बैक। और आज है सैटरडे और अभी 11:30 बज गया होगा। आज हम लोग उठे भी लेट, सारा काम लेट, और इसलिए चलिए जल्दी जल्दी आज फटाफट लंच बना लेते हैं। और आज सैटरडे सिंपल सा ही मैं बनाऊंगी, बीट आलू का सब्जी बनाऊंगी। और बनाऊंगी आज, बहुत दिन के बाद मैं बनाऊंगी दही बैंगन। ये बैंगन और दही को डालकर मैं एक रेसिपी बनाऊंगी, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और मेरे हबी का एक फ्रेंड हमारा गृह प्रवेश के दिन आए थे, जब हमारा गृह प्रवेश हुआ था मतलब 10 साल पहले, उन्होंने ये रेसिपी हमारा जो गृह प्रवेश पार्टी में बना था वो खाए थे, तो उनको इतना पसंद है तो बोले कि भाभी जी को बोलिए ये रेसिपी शेयर करने के लिए। तो उनके लिए मैं आज ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ, दही बैंगन। ये ओडिशा का एक अच्छा रेसिपी है, ये आप ट्राई कीजिए ये वाला रेसिपी। चलिए फिर बनाते हैं दही बैंगन। पहले मैं ये सब्जी बना लेती हूँ। ये बीट और पटाटो को मैं काट के रख दिया है, इसको करी बनाऊंगी, एक सिंपल सा करी, बस जीरा का तड़का लगा के। दही वाला बैंगन के लिए हमें ये बड़ा वाला काला बैंगन लेना है, और इसको मैं अभी बड़ा बड़ा करके काट करके नमक के साथ मिला के फ्राई करूंगी। आप देखिए मैं किस तरह से कट करती हूँ। कैसे कट करना है बैंगन को, अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट ले लूंगी। मैं अभी अच्छे से मिला दूंगी ब्रिंजल को नमक के साथ। अब मैं इसको फ्राई करूंगी, पैन में थोड़ा ऑयल लूंगी। आप मस्टर्ड ऑयल के बदले में रिफाइंड भी ले सकते हैं। अब ब्रिंजल को एक एक करके फ्राई करेंगे। अब ब्रिंजल का दूसरी साइड भी पलट के देखेंगे और फ्राई करेंगे। पूरा ब्राउन कलर होने तक हम फ्राई करेंगे। ब्रिंजल फ्राई अब हो गया, अब एक एक करके निकाल दूंगी मैं सारा। तो हमें दही बैंगन बनाने के लिए चाहिए पहले दही, ये गाढ़ा वाला थिक वाला दही चाहिए, और फ्रेश दही चाहिए, एकदम थिक वाला दही चाहिए हमें। फिर ये ब्रिंजल जो फ्राई किए थे, तड़का लगाने के लिए हमें चाहिए ये ग्रीन चिली, मैं छोटा छोटा करके से कटिंग कर दी हूँ, और ये करी पत्ता, धनिया पत्ता, और ये पंचफोड़न चाहिए। और ये पंचफोड़न काला जीरा, जीरा, सरसों, मेथी, सौंफ, बस ये 5 चीज से बनता है। और ये थोड़ा सा ड्राई रेड चिली चाहिए तड़का लगाने के लिए। और ये सेम पैन में ही तड़का लगा देंगे दही का। तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे ये पंचफोड़न और ड्राई रेड चिली, थोड़ा सा हिला देंगे। अब हम इसमें डालेंगे ये ग्रीन चिली, अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी करी पत्ता,
इसी बीच में हम ये बैंगन के अंदर ये पूरा कर्ड डाल देंगे। और नमक भी डाल देंगे। अब हम इसमें थोड़ा धनिया पत्ता डालेंगे। बस तड़का लगाना हो गया। अब ये पूरा तड़का हम दही पे डाल देंगे। और तुरंत हम इसको ढक देंगे। ढक के 5-10 मिनट रखेंगे। उसके बाद मैं दिखाती हूँ दही बैंगन कैसा बना है। ये देखिए बहुत डिलीशियस बना है। बना है ना अच्छा। अब जब हम खाना खाएंगे तब सर्व करेंगे, नहीं तो धीरे धीरे इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं ये वाला बैंगन के साथ। अब देखिए बन गया हमारा दही बैंगन। इसको बनाना बहुत ही इजी है और खाने में ट्रस्ट मी ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही डिलीशियस होता है। आप व्हाइट राइस के साथ ये दही बैंगन को खाइए, फिर मुझे कमेंट करके बोलिए कि कितना अच्छा ये बना है। अब लास्ट में हम ये दही बैंगन के ऊपर थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देंगे। और ये बड़ा वाला, बड़ा बड़ा वाला और मिर्ची ठीक है ठीक है पूरा ले लो। मिर्ची 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 लाल मिर्ची लाल मिर्ची बस आपने बताई नहीं। ये दही बैंगन बहुत दिन के बाद आज मैं बनाई। दही बैंगन समर में खाने का मजा ही कुछ अलग है। विंटर में भी खा सकते हो, ऐसा कि नहीं विंटर में नहीं, रेन में रेन सीजन में नहीं खा सकते हो, खा सकते हो। पर समर में खाना कुछ अलग। आज बारिश आएगा, आज बारिश आएगा मुझे पता है। कैसे मम्मी ने दही बैंगन बनाया इसलिए। चलिए खाते ये दही बैंगन को। थोड़ा सा व्हाइट राइस लेकर दही बैंगन को उसके ऊपर ऐसे थोड़ा सा मिलाइए और खाइए। बहुत शांति और बहुत यम्मी बना है। खा लिया हम लोग जो बनाए थे पूरा खा लिया। बस अब तुम खाना ले लो। अब इसको भी साफ कर दूंगी। बच्चे हंस रहे। जो मुझे अच्छा लगता है जो डिश मैं उसको वो प्लेट को भी चाट लेती हूँ। ये भी चाटते हैं पर मैं कभी कभी चाटती हूँ पर चाट लेती हूँ।
बहुत शांति लग रहा है। ये दानवीर जो मुझे अभी अभी एक बैंगन दान में दिए है, बारे दानवीर दानवीर हरिश्चंद्र है ये। थैंक यू दानवीर जी। बीट चाहिए कितना चाय। चलिए फिर बाय।